घर संभालना आसान नहीं। जब हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं ना, तो कई बार हमारे दिमाग में भी यही बात आती है, और सच भी है, सही में घर संभालना आसान नहीं है। भले ही देखने वाले को ये आसान लगता होगा, लेकिन हम जो हाउसवाइफ होम मेकर हैं ना, उनसे पूछो कितना ज़्यादा परेशान रहते हैं और थक भी जाते हैं, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। तो है एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का शेड्यूल ना काफ़ी बिजी होने वाला है, बहुत सारे काम आज हैं, पता नहीं कैसे करूँगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत मैंने की है किचन से, क्योंकि राशन का सामान आया हुआ है, तो सोच रही हूँ उसे फटाफट अरेंज कर दूँ। कुछ थोड़े बहुत सामान मैंने कल रात में ही अरेंज करके रख दिए थे, क्योंकि सुबह में बहुत सारे काम होते हैं, तो इसलिए मैंने रात में ही थोड़े बहुत सामान को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख दिया, और जो थोड़े बहुत है ना, उसे अभी फटाफट उनके डब्बे में डाल देती हूँ। तो जितना भी राशन का सामान था, सभी को उनके डब्बे में डालकर अच्छे से अरेंज करके रख दिया है। और ये जो पैकेट में थोड़े बहुत बचे हुए हैं ना, उन्हें सेफ रखने का सबसे बेस्ट तरीका स्टेपनर लगा के रख दो, जिससे आप इसे लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हो। चीज़ें तभी ख़राब होती है ना, जब उसमें हवा लगता है, इसलिए हमेशा उन्हें एयर टाइट करके रखना होता है। और ये तरीका ना बिल्कुल सिंपल है और बेस्ट है। और उसके बाद इन सारे पैकेट को इस बॉक्स में रख दे रही हूँ, जब ज़रूरत होगा वापस यहाँ से निकाल लूँगी। तो महीने का राशन मैंने अच्छे से अरेंज कर दिया है, लेकिन उस चक्कर में थोड़ा बहुत काउंटर टॉप गंदा हो रखा था, तो उसे भी फटाफट चलिए क्लीन कर देते हैं। और उसके बाद मुझे करना है आज के स्टडी टेबल क्लीन, मतलब बच्चों के जो पुराने कॉपी किताब है ना, उन्हें यहाँ से निकालना है और उनकी जगह रखना है नई कॉपी किताब। बट अभी नए कॉपी किताब आए नहीं हैं, आने वाले हैं, तो उनके लिए मुझे जगह बनाना होगा। तो जो ये पुराने कॉपी किताब है ना, जो पुराने क्लास के हैं, उन्हें यहाँ से हटाते हैं और उन्हें रखते हैं एक बैग में, ताकि यहाँ पे स्पेस बन सके नई कॉपी किताब के लिए। और छाँटना भी है मुझे थोड़ा बहुत कॉपी किताब, क्योंकि जिस कॉपी में थोड़े बहुत पेज बच गए हैं ना, उसे मैं अलग रख देती हूँ, ताकि बच्चे उसमें रब कर सके। क्योंकि बहुत बार होता है ना कि बहुत सारे जो कॉपी होते हैं उसमें कुछ पेजेज बच जाते हैं और वे फिर वेस्ट चले जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ ना, बच्चे जब भी मैथ्स बनाते हैं ना, घर पर जब भी वर्क कर रहे होते हैं, या फिर आप घर पर ऐसे बच्चों को पढ़ाते हो ना, तो रफ के लिए कुछ एक्स्ट्रा कॉपी चाहिए होती है, तो उसके लिए बाहर से क्यों खरीद के लाना? पुराने जो भी कॉपी हैं उनमें बहुत सारे पेजेस बच जाते हैं, तो उनको आराम से रफ में यूज कर सकते हैं। या फिर मैं अपने छोटे वाले बेटे को ना हैंड राइटिंग प्रैक्टिस करवाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो जाता है। बीच में जब छुट्टियाँ थोड़ी सी लंबी हो जाती है ना, तो बिल्कुल पढ़ना लिखना उनका बंद सा हो जाता है। जैसे अभी एग्जामिनेशन के बाद बिल्कुल वो कॉपी किताब को छू ही नहीं रहे, आप चाहे कितना भी बोलो, तो क्या होता है ना, छोटे वाले के साथ हैंडराइटिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होने लगती है। इसलिए मैं घर पे उसे हैंडराइटिंग प्रैक्टिस करवाते रहती हूँ, तो उसके लिए भी रफ कॉपी ना बहुत, मतलब जिस पे पेजेस बच्चे में बहुत काम में आ जाती है। ओके, उसके बाद मैं ना कुछ चीज़ें दिखाती हूँ जो मैं कल मार्केट से लेकर आई हूँ। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने शेयर किया था कि मैं ट्रेड फेयर गई हुई हूँ और वहाँ से कुछ चीज़ें मैं लूँगी। तो ये हैं वो चीज़ें। एक तो ये पॉट है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और इसे मैं कब से सोच रही थी ऑनलाइन मंगाने का, बट क्या होता था ना, कई बार कार्ट में डालती फिर सोचती कि नहीं थोड़ा सा महंगा लग रहा है, बाद में मंगाएंगे, तो ऐसे करके वो कार्ट में ही रह गया और मैंने कभी ऑर्डर ही नहीं किया। तो अभी मुझे मिला ठीक रेट में, तो मैंने ले लिया। और सेकेंड ये है हैंगिंग लैम्प, जो कि मुझे बहुत पसंद आया। मुझे अपने घर में हॉल के लिए ना एक हैंगिंग लैम्प चाहिए था, तो ये मुझे अच्छे प्राइस में मिला, तो मैंने इस तरीके का दो लिया है और साथ में बल्ब भी है। ऐसे शायद आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, या फिर उतना अच्छा नहीं लग रहा होगा, बट लग जाने के बाद ना ये बहुत खूबसूरत लगने वाला है। तो इसे रखते हैं अभी फ़िलहाल साइड में और फटाफट घर के काम फिनिश करते हैं, क्योंकि आज बहुत काम है। जो मैंने आपको हैंगिंग लैम्प दिखाया ना, उसे लगाने के लिए इलेक्ट्रिशियन आने वाले हैं घर में, और साथ ही साथ आज एसी सर्विसिंग के लिए भी भैया आने वाले हैं। तो आज बहुत ज़्यादा बिजी होने वाली हूँ, तो इसलिए मैंने घर के काम फटाफट ख़त्म किए और सावर लेकर मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि नाश्ता मेरा इनकम्प्लीट था। सब्जी तो मैंने बना ली थी, बट पूड़ियाँ तलना बाकी था। मैंने ना रोटी बनाने का सोचा था, लेकिन सब्जी देखकर ना बच्चों ने पूड़ी की फरमाइश कर दी। और ये है मेरी आज की सब्जी। जी हाँ, मैंने बनाया है छोला, जो काफ़ी अच्छा बना है और काफ़ी टेस्टी। तो कलर देख के ही समझ में आ रहा होगा, मैंने भी नहीं चखा है, बट कलर देख के मुझे समझ में आ रहा है कि आज का छोला काफ़ी अच्छा बना है। तो फटाफट बच्चों को नाश्ता लगा देते हैं।
तो जी बच्चे कर रहे हैं नाश्ता, तब तक मैं अपना काम कर लेती हूँ। तो ये जो बड़ा सा ब्लैंकेट आप देख रहे हो ना, इसे मुझे आज क्लीन करना है। बाथरूम में भी उतनी जगह नहीं होती है जिससे आप इसे अच्छे से क्लीन कर सको, तो इसके लिए ना एक नया उपाय है। तो मैंने जैसे कहा ना कि घर मैंने फटाफट क्लीन कर लिया था, तो पोछा उछा मैंने लगा लिया था क्योंकि मुझे इसे क्लीन करना था, और ऐसे गंदे फ्लोर पर इसे रख नहीं सकती हूँ, और बेड पर भी नहीं रख सकती क्योंकि इतना बड़ा बेड तो है नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। तो इसके लिए फ्लोर बेस्ट है, मुझे सुविधा भी होगी यहाँ इसे क्लीन करने में। हाँ, बट आप लोग कमेंट आ सकते हो कि दी फ्लोर इतना गंदा है होगा और आपने इसे फ्लोर पे रखा है, बट ऐसा कुछ नहीं है, मैंने अच्छे से फ्लोर को क्लीन कर लिया था, मैंने पोछा ओछा लगा लिया है, फ्लोर मेरा बिल्कुल क्लीन है, उसके बाद मैंने इसे यहाँ रखा है। तो इसे क्लीन करने के लिए ना, सबसे पहले मैंने बेकिंग सोडा जो आता है ना, उसे मैंने पूरे ब्लैंकेट पे डाला है और थोड़ी देर मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद एक नॉर्मल ब्रश मैंने लिया है और उससे पूरे ब्लैंकेट को स्क्रब कर रही हूँ, ताकि जो बेकिंग सोडा है ना वो अपना कमाल दिखा सके। और साफ़ सफाई में आपको पता है बेकिंग सोडा बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो एक बार मैंने इस तरीके से पूरे ब्लैंकेट में जो मैंने ब्रश लिया था ना उससे स्क्रब कर लिया है, और उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की। और उसमें मुझे इतनी सारे सामान की ज़रूरत है। जी हाँ, सबसे पहले मैंने कढ़ाई में गर्म पानी लिया है, और उसके बाद ये तो बेकिंग पाउडर इसे साइड रखते हैं जिसे हम यूज कर चुके हैं, तो अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसे करते हैं साइड में। और उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि अभी मैं क्या क्या यूज करने वाली हूँ। तो कढ़ाई में मैंने लिया है गर्म पानी, उसमें मैं डालूँगी विनेगर थोड़ा सा। जी हाँ, विनेगर तो एकदम थोड़ा सा डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। और उसके बाद जो लिक्विड डिटर्जेंट होता है ना वो ऐड करने वाली हूँ, और उसके बाद इसमें जाएगा कंफर्ट जो फैब्रिक कंडीशनर होता है और काफ़ी अच्छा होता है। ब्लैंकेट अगर आपको वॉश करना है ना तो ये काफ़ी अच्छा रहता है, अगर ये ना हो तो आप इजी भी डाल सकते हो, और ऐसे भी इजी भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। और उसके बाद मैंने नींबू लिया था, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा दाग जिद्दी होते हैं ना, बहुत ज़्यादा गंदा रहता है ना ब्लैंकेट, तो नींबू डालकर आप सफाई करना, बहुत अच्छे से क्लीन होता है। तो इन सारी चीज़ों को मैं चम्मच से मिला ले रही हूँ, और अब ये सॉल्यूशन रेडी है ब्लैंकेट क्लीन करने के लिए। तो चलिए फटाफट, मैंने एक लीड लिया है, उसे अच्छे से तौलिए से कवर अप कर लिया है, एंड उसके बाद इसे इसमें डिप करेंगे, और उसके बाद लग जाएंगे हमारे जो ब्लैंकेट है उसे क्लीन करने में। एक बार मैंने दिखा दिया है कि ब्लैंकेट कितना ज़्यादा गंदा हो रखा है, और इसमें मैं हेल्प ले रही हूँ अपने छोटे वाले बेटे का, क्योंकि ब्लैंकेट को मैंने ऐसे फ्लोर पे बिछाया है ना, तो जब मैं अकेले कर रही थी तो थोड़ा सा मतलब वो इधर उधर हो रहा था, तो इसलिए मैंने एक साइड से युग को पकड़ाया है कि थोड़ा सा पकड़ो, टाइट रहेगा तो आराम से इजीली मैं कर सकती हूँ, नहीं तो ब्लैंकेट इधर उधर हो जा रहा था, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, तो इसलिए मैंने युग को एक साइड से पकड़वाया। और जब उसने एक तरफ से खींचा ना ब्लैंकेट को, और इधर से मैं पकड़ी हुई थी, तो बहुत ईजिली अच्छे से क्लीन हो जा रहा था, नहीं तो थोड़ी बहुत परेशानी तो आ ही रही थी, लेकिन बेचारा वो भी थक जा रहा था पकड़ पकड़ के, क्योंकि इतना बड़ा ब्लैंकेट तुरंत आप चाहो ना फिर भी नहीं हो पाएगा। और बाथरूम में भी जब मैं इसे वॉश करती थी ना, तो ब्रश से रगड़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी, मतलब बाथरूम उतना बड़ा है नहीं और इतना बड़ा ब्लैंकेट, तो थोड़ा थोड़ा करके मुझे इसे क्लीन करना पड़ता था, हालत ख़राब हो जाती थी। इसलिए मैंने सोचा अभी फ्लोर पे इसे अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, ताकि बाथरूम में फिर मुझे ये सब परेशानी झेलनी नहीं पड़े। लेकिन अब मेरे हाथ दुखने लगे थे, क्योंकि लीड के उधर घुमाते घुमाते ना सच में हालत ख़राब हो रखी थी। तो युग ने भी थोड़ी बहुत हेल्प की, लेकिन बच्चा है ना तो थक गया वो। उसके बाद मैंने कहा कि बस तुम पकड़े रहो, मैं फटाफट इसे कम्प्लीट करती हूँ। हो ही गया था, थोड़ा सा और मुझे करना था, और बहुत ज़्यादा गंदा निकला था, सच में आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन मैं आप लोगों को तौलिया दिखाऊंगी, बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था। और आप जब ब्लैंकेट भी देखोगे ना, तो आपको अंतर समझ में आ जाएगा कि पहले जब गंदा था तो कैसा लग रहा था, और अभी साफ़ होने के बाद कैसा लग रहा है। तरीका काफ़ी अच्छा है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत इसमें भी लगती है, क्योंकि अगर आपका ब्लैंकेट बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है तो सच में मेहनत करनी पड़ेगी आपको इसे क्लीन करने के लिए। और आप देख सकते हो ब्लैंकेट मैंने पूरा क्लीन कर दिया है, और ये बिल्कुल साफ़ हो चुका है। और ये है वो तौलिया जिससे मैंने अभी ब्लैंकेट को क्लीन किया है, और इसकी हालत आप देख सकते हो, ये कितना ज़्यादा गंदा हो रखा है, बहुत ही ज़्यादा। जी हाँ, क्योंकि ब्लैंकेट ही मेरा इतना ज़्यादा गंदा हो रखा था। लेकिन अब ना ये इस तरीके से मुझसे नहीं होने वाला है, क्योंकि सच में बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, तो अब सोच रही हूँ ना ब्लैंकेट में कवर चढ़ा दूँगी, बेस्ट रहेगा। कवर को आप धो सकते हो, लेकिन ब्लैंकेट बार बार इस तरीके से धोना बहुत प्रॉब्लम वाला काम है। और मैं ये सब कर ही रही थी कि एसी सर्विसिंग वाले भैया आ गए, तो अब मैं इधर बिजी हो गई हूँ, क्योंकि जब घर में कोई आते हैं ना किसी चीज़ की सर्विसिंग करने या कोई काम करने, तो आपको अपना काम छोड़ के इधर ध्यान देना पड़ता है। तो एसी में क्या प्रॉब्लम हुई है वो मैं आप लोगों को बता दूँ। ये जो फ्लिप है ना, स्वीप फ्लिप क्या जो भी बोलो आप, वो ख़राब हो गया है, मतलब वो ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, एक जगह अटका हुआ है, तो इसे ही चेंज करना है मुझे। तो इसे ही देखने वो लोग आए थे, तो मॉडल नंबर लिख के चले गए हैं, बाहर से मंगाना होगा, जब वो आ जाएगा उसके बाद वो इसे लगाएंगे। तो ये काम हो गया, लेकिन इस चक्कर में बेडरूम पूरा गंदा हो रखा था, मतलब उन्हें ऊपर चढ़ने के लिए ना कुछ चीज़ें चाहिए थी, तो बस ये बेंच ही हमारे पास है,
कितनी बार मैंने सोचा है कि जो वो एल्युमिनियम वाला लेटर आता है ना वो लेके रखूँगी, बट हो नहीं पा रहा। लेकिन घर में जब इस तरीके के काम होते हैं ना तो सच में लगता है कि वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे फिर साधन जुटाना पड़ता है कि कैसे वो लोग चढ़ के ऊपर में काम करें। मेरे पास ना यही एक बेंच है जिसमें वो टेबल वगैरह लगा के अपना काम कर लेते हैं। और देखिए घर में इस तरीके की चीज़ें होती रहती है, तो साधन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब मुझे भी लग रहा है कि बहुत जल्द मुझे लेना होगा एल्युमिनियम वाला लेटर, क्योंकि हमेशा घर में कुछ ना कुछ काम होते रहता है। और आप कब तक इस तरीके से जुगाड़ करोगे? तो मैं अपना बेडरूम थोड़ा क्लीन करती तब तक आ गए थे इलेक्ट्रिशियन वाले भैया, जैसा कि मैंने कहा था कि हैंगिंग लैंप को लगाने के लिए आ जाने वाले हैं। तो ये लोग भी पहुँच ही गए थे, मतलब आज लाइन बाई लाइन ना सारे काम हो रहे थे, मुझे एक मिनट की फुर्सत नहीं थी। और बहुत दिक्कत हो जाता है कि जब आप घर में अकेले सब कुछ मैनेज करते हो, मेरे हस्बैंड भी रहते हैं तो थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है कि मैं अपना काम कर रही हूँ वो इधर देख रहे हैं, बट उनके पास टाइम ही नहीं है, वो अपने काम में बिजी रहते हैं। तो सारा चीज़ मुझे निपटाना उधर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अभी जैसे देखिए मुझे खाना बनाना है, लेकिन उधर छोड़ के मुझे यहाँ आना पड़ रहा है, क्योंकि अगर आप इधर भी ना समझाओ ना दिखाओ तो बहुत दिक्कत होनी है। तो मैं ही नहीं समझा रही कि मुझे कहाँ लाइट प्रॉपर चाहिए। हमने फॉल सीलिंग नहीं करवाई है, तो फॉल सीलिंग जब आप करवाते हो तो पता रहता है कि कहाँ किस तरीके से कौन सी लाइट जाएगी, लेकिन हमने फॉल सीलिंग नहीं कराई है। तो मुझे ये लाइट ना कॉर्नर में चाहिए थी, तो वही मैं इन्हें समझा रही थी। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ना कनेक्शन को लेकर हो रही थी कि कनेक्शन कहाँ से दे, क्योंकि हैंगिंग लाइट है तो उसके लिए कनेक्शन वहीं ऊपर में कहीं होना चाहिए। तो वही सीलिंग पे जो लाइटें हमारी लगी हुई है ना, वहीं मैंने कहा कि आप कनेक्शन दे दो, मेरे लिए भी वो यूजफुल रहेगा, नहीं तो ऐसे मैं नीचे तार लटका के लाऊंगी तो तार इधर उधर दिखेंगे, वो अच्छे नहीं लगेंगे। तो बस वहाँ थोड़ा सा छोटा सा तार खींचना होगा और वो कनेक्शन वहाँ हो जाएगा। तो वही ये लोग अपना काम स्टार्ट कर दिए हैं, और उसके बाद चलिए अब देखते हैं लगता है उसके बाद कैसा रिजल्ट आता है, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और काफ़ी टाइम से मेरे दिमाग में था कि यहाँ मैं एक कॉर्नर में हैंगिंग लाइट दूंगी ताकि ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगे, और सच में मुझे यहाँ थोड़ी सी लाइट की कमी हमेशा से लगती थी। तो फाइनली आज जाकर ये चीज़ भी पूरी हो रही है, तो देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है, क्या आता है। तो इन्होंने लाइटें लगा दी है, बस कनेक्शन कर रहे हैं। तो मैंने जैसे कहा था ना कि थोड़ा सा तार जोड़ के ऊपर में कनेक्शन करना होगा, तो वही हुआ है। और आप देख सकते हैं लाइटें लग चुकी है, और अभी से ना ऑन करके देखते हैं। तो ऑन करने के बाद सच में ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। इलेक्ट्रिशियन वाले भैया अपना काम करके चले गए थे, लेकिन फ्लोर थोड़ा गंदा हो गया है, तो फटाफट इसे झाड़ू करते हैं और यहाँ क्लीन करते हैं इस वाले एरिया को। तो यही होता है कि थोड़ा सा भी घर में काम होगा ना तो घर तो गंदा होना ही है। तो उन्होंने ड्रिल किया था ना सीलिंग पे, तो थोड़े बहुत जो सीमेंट के डस्ट होते हैं ना वो गिरे हुए हैं, तो पूरा फ्लोर डस्ट डस्ट लग रहा है। तो मुझे भी झाड़ू करने के बाद आई थिंक पोछा भी करना होगा, क्योंकि पैर पे ना लग रहा है, और थोड़ा बहुत भी पैर में लगता है ना तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए सोच रही हूँ कि पूरे घर को तो नहीं, क्योंकि पूरे घर को ऑलरेडी मैंने पोछा मार दिया था, बस जो मेरा बेडरूम है क्योंकि वहाँ एसी वाले भैया ने काम किया था, तो वो और ये हॉल मैं क्लीन कर दूंगी। और ये जगह परफेक्टली मैंने सेट कर दिया, और सच में आप देख सकते हो बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, कहने को छोटी होती है लेकिन आपके घर को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देती है। एक तो बजट में वो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हम सबसे पहले बजट देखते हैं उसके बाद ही कोई काम करते हैं। और इसका मैं प्राइस बता देती हूँ आप लोगों को, तो एक मुझे 500 पड़ा दाम, वो ज़्यादा बोल रहे थे जो शॉप के ऑनर थे वो, लेकिन बहुत बार्गेनिंग करने के बाद मुझे फाइनली 500 में मिल गया, तो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात थी। नहीं तो शायद ज़्यादा रहता तो मैं नहीं ले पाती, क्योंकि मुझे दो लेना था, क्योंकि सिंगल अगर ऐसे लगाऊंगी तो मज़ा नहीं आएगा, अच्छा नहीं लगेगा देखने में, और वो लुक भी शायद नहीं आता। दो लगाया तो इसलिए अच्छा लगा, तो मैंने दो लिया तो 1000 पड़ा। काफ़ी टाइम से मैंने ये सोच के रखा था अंदर ही अंदर कि हाँ वहाँ मुझे एक कॉर्नर में हैंगिंग लाइट देना है, क्योंकि फॉल सीलिंग अभी कब होगा भगवान जाने, कोई नहीं जानता। बजट जैसे होगा वैसे वैसे घर के काम भी होंगे, लेकिन मुझे एक कॉर्नर में फॉल सीलिंग देना था, मुझे वो चाहिए था। पता नहीं मुझे क्यों हमेशा से लगता था ना कि यहाँ कुछ कमी है, शायद हैंगिंग लाइट लगाने के बाद ये जगह और भी अच्छा हो जाएगा, और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा, और सच में वही हुआ। तो चलिए आज एक और अच्छा काम घर में हो गया जिसे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। और उसके बाद जो मैंने ब्लैंकेट क्लीन किया था ना, तो उसे मुझे 2-3 पानी वॉश करना था। आप चाहे तो ऐसे भी सुखा सकते हो धूप में, लेकिन मुझे 2-3 पानी वॉश करना था, तो वही मैंने वॉश करके छोड़ दिया था कि पानी जब निकल जाएगा तो मैं इसे बालकनी में डाल दूंगी। लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत पानी बचा हुआ है, तो इसे बालकनी में डाल देती हूँ, जो भी थोड़ा बहुत पानी है वो निकल जाएगा प्रॉपर। 2 दिन तो लगेंगे इसे सूखने में, क्योंकि बहुत मोटा ब्लैंकेट है, पानी लगने के बाद काफ़ी भारी हो जाता है, तो 2 दिन प्रॉपर लगेंगे। लेकिन धूप अच्छी है ना, तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं है, आराम से सूख जाना है।
और उसके बाद इसमें कवर लगा के ही इसे अंदर डालूंगी ताकि ये हर साल वाला झंझट खत्म हो कि ब्लैंकेट धोना है, बहुत मेहनत लगती है। और आज सच में हालत ख़राब हो गई, आज एक मिनट का भी मुझे फुर्सत नहीं मिला है, एक सेकंड का भी नहीं। यही होता है, अकेले आप सब कुछ कब तक कैसे मैनेज करोगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो चलिए इस ब्लॉग को भी करती हूँ यहीं एंड, और आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, लाइक करिएगा, और अगर चैनल में नए होना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।